साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ राहु केतु परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, राहु और केतु जो कि दोनों ही ग्रह 18 महीने तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, अब वो दोनों ही ग्रह राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। पहले जहाँ राहु ग्रह मेष राशि में थे, वही केतु ग्रह तुला राशि में विराजमान थे। दोनों ही ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को अपने राशि को परिवर्तित करेंगे और राहु ग्रह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वही केतु ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचरीय प्रभाव 18 महीनों के लिए रहेगा, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 16 मई 2025 तक ये दोनों ही विराजमान रहेंगे अपने जिस राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि मेष राशि में राहु और कन्या राशि में केतु ग्रह। इन ग्रहों के परिवर्तन का आपके राशि, यानी कि आज बात करेंगे कर्क राशि वालों की, कर्क राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे ये दोनों ग्रह, इसको जानना अत्यंत आवश्यक। हालांकि कर्क राशि पर पहले से शनि की ढैया चल रही है। मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए जब मीन राशि में राहु ग्रह प्रवेश करेंगे तो वह नवम भाव में विराजमान रहेंगे। नवम भाव में विराजमान रहेंगे तो क्या होगा, नवम भाव में विराजमान होने से भाग्य की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, इसलिए यहाँ पे आपको फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो आपका काम नहीं होगा, यानी कि एफर्ट आपको पूरा लगाना पड़ेगा, मेहनत कड़ी करिए, भाग्य अपने आप साथ देगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा। धार्मिक क्षेत्र की यात्राएं जितनी अधिक आप करेंगे उतने ही अधिक भाग्योदय का आपका सुंदर योग बनेगा, अन्यथा स्पिरिचुअलिटी से अगर आप मूव करते हैं यानी पीछे जाते हैं धर्म कार्य के क्षेत्र से तो निश्चित तौर पर भाग्य में तब्दीली के बजाय रुकावटों का योग बन सकता है। उनकी जो पांचवी दृष्टि है वह पड़ेगी फर्स्ट हाउस पर यानी लग्न पर, कद काठी पर्सनालिटी इन चीजों में आपके जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपको इंस्पिरेशन बना सकते हैं इस दरमियान साथ में, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। उनकी जो सातवीं दृष्टि होगी वह थर्ड हाउस पर होगी, यानी तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके जीवन में एक बात का बड़ा ही सुंदर सौगात मिल रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके बहुत सारे आपके लिए कामकाज के बनेंगे, थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे तो निश्चित तौर पर काम का सुंदर योग बनेगा। वर्कहोलिक रहना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, भाई बहनों का सहयोग लेते रहें समय समय पर, इतना ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि भाई बहनों से किसी भी बात को लेकर अधिक मतभेद या मनमुटाव ना करें, अन्यथा वह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। नवी जो दृष्टि है वह पंचम भाव पर होगी, राहु की पंचम भाव पर दृष्टि होगी तो विद्यार्थियों के लिए शुभ समय होगा, लेकिन शुभ समय होगा इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दीजिए, आप पूरा मेहनत करिए, मेहनत के आधार पर आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में जिन प्रेमी जोड़ों का संबंध पहले कहीं ना कहीं खराब था या फिर संबंधों में विच्छेद का योग बन रहा था, वहां पे पैचअप की पूरी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यानी संबंधों में विच्छेदात्मक योग समाप्त होगा और किसी व्यक्ति के मध्यस्थता यानी कोई आपका मित्र हो सकता है जो आपके संबंधों को सुधारने में अहम भूमिका निभा सकता है, यानी आपके टूटते हुए कड़ी को जोड़ने का कार्य करेगा और आपके नए नए लोगों से भी संबंध की स्थिति बहुत मजबूत बनेगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी शुभ समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं केतु ग्रह। केतु ग्रह कन्या राशि में विराजमान रहेंगे तो कन्या राशि में रहेंगे तो तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे, तो इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि आप किसी बात को लेकर केयरलेस बिल्कुल भी ना रहें इन 18 महीनों में। आप लेट गो अगर करते हैं यानी कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों, तो इस ऐसे अगर सोचते हैं तो बीत जाएंगे वर्षों, इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। तृतीय भाव में विराजमान होंगे, उनकी पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा था चाहे कारण कोई भी हो, शादी का योग नहीं बन पा रहा था, उनके लिए सुंदर केतु ग्रह की दृष्टि पड़ने से सुंदर विवाह का योग बनेगा, मनचाहा जीवन साथी का योग बनेगा। लेकिन जो लोग विवाहित हैं उनको एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति बहुत ही विश्वास के साथ आगे बढ़े, किसी भी बात को लेकर मन में शंका या शक की संभावना अगर जागृत होती है उसको बातचीत के जरिए सुलझाएं, अन्यथा ये बात अधिक बिगड़ सकती है। नए व्यापार की कुछ सफल और सक्सेसफुल योजनाएं आपकी बन सकती है जो आपके भविष्य को सुधारने में जबरदस्त योग बनाएगा। केतु ग्रह की जो सातवीं दृष्टि है वह नाइन्थ हाउस यानी कि भाग्य भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव में भाग्य में तब्दीली का योग बनाएंगे। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप अपने
राज्य या फिर अपने शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप पहले जांच पड़ताल करें, और जांच पड़ताल करके आप जाते हैं उच्च शिक्षा के लिए, तो निश्चित तौर पर आपके लिए शुभ फल देने वाले होंगे। केतु ग्रह की जो नवी दृष्टि है वह 11th हाउस यानी कि एकादश भाव पर रहेगी, तो सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से आपका यह समय शुभ रहेगा। साथ में नौकरी पेशा वालों के लिए जिनके लिए कहीं ना कहीं प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट का योग नहीं बन पा रहा था, यानी रुक रहा था, अटक रहा था किसी न किसी कारणवश, उनके लिए सुंदर यहाँ पे योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका इंक्रीमेंट यानी आपका वेतन बढ़ सकता है, आपका प्रमोशन इत्यादि हो सकता है, जिससे आपके जीवन, आपके घर परिवार परिवार में खुशियों के लहर दौड़ जाएगी, और आप जहाँ कहीं सिमट कर रह रहे थे, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य को नहीं कर पा रहे थे, उसको करने में भी आप सफल और कामयाब होंगे। मित्रों, इस रिजल्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए राहु और केतु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें, यानी काले वस्तुओं का दान करें, भगवान गणेश के शरण में रहें, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। साथ में आप अपने बिल्डिंग या फिर आसपास में जो लोग गरीब हैं, या फिर झाड़ू मारने वाले, या फिर बहुत ही गरीब लोग हैं जिनके पास कोई स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी मदद करें। निश्चित तौर पर राहु और केतु की विशेष कृपा आपके जीवन में बनेगी। मित्रों, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।